नमस्कार साथियों, राजस्थान की भूमि वीरों की भूमि रही और उनमें भी महाराणा प्रताप के पराक्रम की चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के इतिहास में होती है। आज हम राजस्थान के वीर सपूत यानी महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में बात करेंगे। महाराणा प्रताप की सफलता के पीछे चेतक का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, तो आइए आज हम चेतक के बारे में जानते हैं। चेतक यानी महाराणा प्रताप का वफादार और पराक्रमी घोड़ा। चेतक गुजरात के काठियावाड़ी नस्ल का अश्व था। वैसे मूल तो चेतक गुजरात के भीमोरा नाम के गांव से था, जो आज भी अश्वों के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात के एक चारण्य चेतक और नेतक नाम के दो घोड़े को भीमोरा के किसी दरबार के पास से खरीदकर उसे मारवाड़ पहुंचाया। वहां महाराणा प्रताप ने इन दोनों घोड़े की परीक्षा की, जिनमें नेतक का निधन हुआ और चेतक को अपने घोड़े के तौर पर स्वीकार किया। वैसे तो चेतक ने अनेक पराक्रम दिखाए, लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने अपनी वफादारी, स्वामी भक्ति और वीरता का परिचय करवाया। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध छोड़ना नहीं चाहते थे, परंतु महाराणा प्रताप के कुछ वफादार सरदारों ने हार की ओर बढ़ रहे इस युद्ध का मैदान छोड़ना ही उचित समझा, और इसीलिए उन्होंने महाराणा प्रताप को युद्ध छोड़ने का अनुरोध किया। महाराणा प्रताप के वफादार सरदार मानसिंह झाला ने महाराणा प्रताप का राज्य प्रतीक खुद ही पहन लिया, जिससे मुगल सेना को लगा कि यही प्रताप है, और इस तरह मानसिंह झाला मुगल सेना का ध्यान दूसरी ओर खींचने में सफल हुए। महाराणा प्रताप के वेश में मानसिंह झाला को देख के मुगल सेना उसे प्रताप समझ के उन पर टूट पड़ी, और इस तरह मानसिंह झाला शहीद हुए। उस दौरान महाराणा प्रताप अपने सरदारों के साथ युद्ध का मैदान छोड़ के निकल गए। उस टाइम पे चेतक एकदम ही थका हुआ था और बेहद ही ज़्यादा घायल भी था, फिर भी अपने महाराणा प्रताप को लेके वो युद्ध के मैदान से बाहर आ गया। इस बात का पता कुछ मुगल सैनिकों को लगा और वो महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए उनके पीछे पड़ गए। युद्ध के मैदान से करीबन 2 माइल की दूरी पर कुछ 26 फीट लंबी एक नाली आती थी, जिनको पार करना एक प्रकार से तो असंभव ही था, पर चेतक के लिए उस नाली को पार करना बेहद ही ज़रूरी था, क्योंकि उनके पीछे मुगल सेना पड़ी हुई थी और चेतक उस नाली को पार न करे तो महाराणा प्रताप की जान खतरे में पड़ सकती थी। चेतक के लिए राणा को बचाना बेहद ही ज़रूरी था। एक तरफ चेतक एकदम ही थका हुआ और घायल भी था, फिर भी महाराणा प्रताप की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना पूरी ताकत के साथ लंबी छलांग लगा के उस नाले को पार कर गया, जिसे मुगल सेना पार न कर सकी, और इस तरह चेतक ने महाराणा प्रताप की जान बचाई। लंबी छलांग लगा के उस नाले को पार करने के प्रयास में चेतक सफल तो हुआ, पर यह उनकी आखिरी छलांग साबित हुई। उसके बाद चेतक खड़ा नहीं हो पाया और अंत में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए 21 जून 1576 के दिन उसी जगह पर चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। महाराणा प्रताप ने अपने प्रिय साथी चेतक के लिए उस जगह पर एक सुंदर स्मारक का निर्माण करवाया, और वो स्मारक आज भी राजस्थान के राजसमंद जिले के बालीचा गांव में मौजूद है। मेरे ख्याल से चेतक जैसा पराक्रमी और वफादार घोड़ा सिर्फ भारत के नहीं बल्कि पूरे विश्व के इतिहास में ना हुआ होगा और ना ही होगा। चेतक की ये पराक्रमी गाथा आज भी लोग सुनते हैं और गर्व महसूस करते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चेतक की ये गौरव गाथा आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।